शादी का मतलब है हर दिन धोखा। जी हाँ, आज की शुरुआत भी हुई है एक नए धोखे से। हर शनिवार की तरह कियान अपनी मस्तियों में बिजी था, बीवी अपने घर के कामों में व्यस्त थी और मैं अपनी पपियों के साथ कियान को परेशान कर रहा था। कल जी मैडम को मेरी गाड़ी से कुछ काम है, इसलिए इसने बोला कि आज मिलके गाड़ी को चमका लेते हैं, क्योंकि बाहर धोने जाएंगे तो $100-200 लग ही जाएंगे। बात तो बिल्कुल सही थी। अच्छे पति की तरह मैं भी इसका साथ देने निकल पड़ा, लेकिन कॉफी के बिना हमारी सुबह हमेशा अधूरी रहती है, इसलिए रास्ते से उठाई अपनी कॉफी और पहुंच गए अपनी मंजिल पे, यानी कि कियान के नाना नानी के घर। यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि गाड़ी धोने का सारा सामान यहीं पर था। सबसे पहले तो मैंने रामप्यारी का फेस वॉश कर दिया ताकि इसका मुंह चमक जाए। फिर बारी आई अंदर की और वो भी तुम्हारे भाई ने नई जैसी कर दी। तभी मुझे नजर आया कि दूसरी तरफ कियान की भी धुलाई हो रही है, लेकिन इन सब बातों में मुझे एक चीज समझ नहीं आई, यही कि बात तो मिलके साफ करने की हुई थी, आज भी मुझे धोखा ही मिला। जय माता दी।